लोग मिलता है, देख सकते हैं हेडलाइट जिनकी शाइन क्या आती है, लुकिंग देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मैं हूं आपका अपना राजवर। आज आपके सामने लाया हूं मैं GT 650। अब जो मेन है वो है अपनी GT 650, जो कि आई है सीधी अंडमान से, अंडमान बहुत दूर है, वहां से आई है। और नंबर देख लो, गाड़ी वैसे हिमाचल प्रदेश की है बट भैया है नेवी के अंदर। तो ये जो गाड़ी है, ये जो भैया हैं वो है नेवी के अंदर, बट भैया अपने फेस को रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि अलाउड नहीं है उनको। तो उनका ना तो हमने अभी रिव्यू लिया, ना ही हम एंड में रिव्यू लेंगे, इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं। और गाड़ी हो गई थी एक्सीडेंट, तो इसमें बहुत सारे काम होने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रैचेस काफ़ी सारे आए हुए हैं, जिसकी रबिंग की मदद से इसके स्क्रैचेस मिटाए जा रहे हैं। और स्क्रैचेस मिटाने के उसमें रैपिंग की जाएगी, और इसमें हाइड्रोलिक लगाया जाएगा इसके अंदर, इसका ABS वर्किंग कर रहा है वो भी कराया जाएगा, साथ में क्रैश गार्ड, रेडिएटर गार्ड, सम गार्ड और इंडिकेटर वगैरह, देख रहे हो आप ये सारी चीज़ें। एक्सीडेंट की सारी चीज़ें इसकी ख़त्म हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी है। करते हैं काम को स्टार्ट, फिर आपको दिखाते हैं एक एक करके कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या इसके अंदर होना है। 2 hours later। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि गाड़ी कहाँ से आई थी और गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा था, बट उससे कहीं ज़्यादा काम गाड़ी के अंदर हो चुका है अब, क्योंकि जब ये रेडी हुई है तो जब आई थी तो काफ़ी पुरानी लग रही थी, और अब बिल्कुल न्यू ब्रांड होकर जा रही है यहाँ से। और ये भैया नेवी के अंदर है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर भी, आप देख सकते हैं रियल में नेवी वाले भैया हैं जो हमारे पास आए हैं। और थैंक्स आप सभी का कि आप सभी का प्यार इतना मिल रहा है मुझे कि इंडिया से छोड़ो, इंडिया के कॉर्नर से और मतलब बॉर्डर पार से भी लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स भैया नेवी के अंदर। भैया मना कर रहे हैं आने के लिए कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी नेवी की जॉब का खतरा हो जाएगा, मैं वीडियो में अपना फेस रिवील करता हूँ। तो उनका नाम तो मैंने स्टार्टिंग में लिया, ना मैं एंड में लूँगा, तो सिर्फ यही रीज़न है कि इसमें उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया। और अब मैं बताऊँगा इसके अंदर क्या 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 गया, वैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था बट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस बोले तो देखिए वाइजर, ये वाइजर लगा दिया गया इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग के साथ है, और ये होता है अपना प्रॉपर फिटमेंट, ये होता है अपना प्रॉपर फिटमेंट का जो देख सकते हो वाइजर, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। मतलब लोग ना जज भी नहीं कर सकते कि इसका है किसी और का, वैसे तो ये नॉर्मली हंटर का होता है, ये देख सकते हैं आरी की इसके अंदर ब्रांडिंग लगी हुई है, बट फिटमेंट पूरी प्रॉपर जेन्युइन है जो कि आपको देखने मिल जाती है। साथ में आपको मिलता है देख सकते हैं हेडलाइट जो कि माइनस फोल्ड रहेंगे, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। और इसकी रोशनी चेक आउट कराता हूं आपको, ये था इसका चाबी ऑन करते ही आपका लो, ये देखिए हाई हो गया, ये लो हाई लो हाई लो, ये इसका पॉइंट होगा। साथ में इसके रिंग के कलर देखिए, रिंग के कलर भी आपके चेंज हो जाते देख सकते हैं। इसके अंदर बटन ऑन करते हैं तो इसकी लाइट ऑन होती है, और ये वाइट से आपका हो जाएगा येलो, क्योंकि आपका जो करेगा ये आपको करेगा हाई पॉइंट पर आपका येलो। तो ये इसके अंदर फीचर्स है जो कि इसके अंदर देखने मिलेगा आपको, और ये मिलती है आपको HJG ओरिजिनल, ये आपको मिलती है HJG ओरिजिनल लोकल कॉपी, हम नहीं बेचते हैं ना ही हम बिलीव करते हैं कॉपी के अंदर। और उसके बाद दिखाता हूँ जो टायर था ना, मैंने पहले दिखाया था कि इसके अंदर टायर काफ़ी गंदा था जो कि हमने फेंक दिया फिलहाल, ये देखिए टायर भी इसके अंदर बिल्कुल न्यू ब्रांड लगा दिया, अब दिख रहे होंगे आपको ये सब बिल्कुल न्यू टायर है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। साथ में इसके डिस्पैड जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे थे, कट चुके थे, वो भी इसके अंदर हमने जेन्युइन डाल दिए गए इसके अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर शॉकर रबड़ जो कि स्टार्टिंग में देख रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा कटी हुई थी, ये भी इसके अंदर बिल्कुल न्यू ब्रांड डल गई है। और इधर आपको देखने मिलेगी 650 की ब्रांडिंग के साथ आपको रेडिएटर गार्ड जो कि मिलता है आपको स्टेनलेस स्टील, ये आपका स्टेनलेस स्टील का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपकी जो जितना मर्जी टाइम हो जाए ना तो इस पर जंग लगेगा ना ही ये ख़राब होगा। और इससे जंग लगने का मतलब होता है कि इस साथ में कोई रेडिएटर को भी खा जाता है, क्योंकि रेडिएटर जो होता है एक सेंसिटिव पार्ट होता है, और अगर पत्थर वगैरह जाके ख़राब हो जाता है, साथ में अगर कुछ ऐसी थर्ड क्वालिटी चीज़ अगर आपने कहीं से लगवा ली तो समझ लो आपकी बाइक को बचाने के लिए ये लगा देगा इसके अंदर। साथ में नीचे देखने मिलेगा आपको स्टेनलेस स्टील का ही समगार्ड जो कि मिलता है आपको ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील के अंदर, ये देख सकते हैं लगा दिया गया इसके अंदर, जिससे आपका ऑयल फिल्टर पूरा हो जाएगा कवर, और आपकी बाइक जो है पूरी तरीके से सेफ, डस्ट वगैरह भी अंदर जल्दी से नहीं जाती है पूरी तरीके से। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये लगाने से क्या एयर रुकती है, तो मैं बताया नहीं, देखिए ये होल्स है ना, ये होल्स इसीलिए है कि इसकी जो एयर है वो रुके, एयर ना रुकने के लिए इसके अंदर होल्स दिए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसी नॉर्मल प्लेट लगवा देते हैं पर उससे बेनिफिट होता उल्टा खुद का नुकसान होता है, तो ये ज़रूर चेक कर लें। और उसके बाद इधर आइए, इसके अंदर लगाए गए हैं हाइड्रोलिक आपकी क्लच और आपका हैंड ब्रेक, ये आपका हाइड्रोलिक का सिस्टम जरूर है बट हाइड्रोलिक आपका मिलता है सिर्फ और सिर्फ ये जो कि है ब्रेक, ये आपका मिलता है पूरा हाइड्रोलिक जो कि देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं। चलने के बाद ना
ऐसा मजा भी बहुत है। मेरी कितनी बाइक में लगा हुआ है, मैं भी अराउंड साल डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ इंटरसेप्टर के अंदर, मेरे को बहुत मज़ा आता है लगाने के। तो भैया को भी पसंद था, भैया जब आए थे ना तो उन्होंने पहले ही फ़ोन पे कंफर्म किया था भैया रैम्बो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे पास तो पता है आपको कि नथिंग इज इम्पॉसिबल हमेशा होता है, तो हमने कहा भैया आ जाइए हो जाएगा। तो ये तभी वीडियो देख कर पूछा था भैया ना, हमने यहाँ पर कर दिया है, फिट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, वर्किंग है पूरा प्रॉपर तरीके से। क्लच वाला चाहो तो क्लच वाला भी आप हाइड्रोलिक करा सकते हो, बट भैया ने नहीं करवाया क्लच वाला। और साथ में इसमें देखने मिलेगी आपको डिसेंट सी लुकिंग के आपको इंडिकेटर, देख सकते हैं ये बहुत ही डिसेंट लुकिंग के इंडिकेटर हैं जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। मैं इसकी भी लुक चेक आउट कराया हूँ कैसे आती है, देखिए सबसे पहले इसकी रोशनी चेक आउट करेंगे। फुल्ली LED वाले ये हैं आपके इंडिकेटर जो कि इंस्टॉल कर दिए गए हैं इसके अंदर। ये होते हैं वाइट के, वाइट ग्लास के अंदर, और येलो इसकी रोशनी होती है। और साथ में इसमें लगा देगा सिनेटेक ओरिजिनल हैज़ार्ड, आप देख सकते हैं लुक चेक आउट करो क्या जबरदस्त। रोड पे निकलेगा ना तो रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है इसको लगने के, जब ये रोड पे निकलेगी तो तारीफ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये इसका हो गया इंडिकेटर, जिसमें निकला हैज़ार्ड आपको लगा दिया, हैज़ार्ड के आपको मिलते हैं पूरे के पूरे एक साल की गारंटी काउंटर करते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिकेटर और हैज़ार्ड जो मैंने बताया। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर बोको का आपको देखना मिलेगा फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर जो कि देख सकते हो। इसमें मोबाइल लगाने के बाद एक तो इजीली चार्ज हो जाएगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा, साथ में ना मोबाइल हैंग करके इसके अंदर कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो GPS ऑन करने के बाद। तो ये हो गया आपका मोबाइल होल्डर। आप दिखाता हूँ आपको इसके अंदर न्यू डिज़ाइन वाले मिरर, ही देखिए ये बहुत ही न्यू लुकिंग वाले मिरर है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। काफ़ी छोटे से दिखते हो, बहुत ही अच्छी इसकी विजिबिलिटी आने वाली है। और आप चेकआउट करो, फ्रंट से चेकआउट कर लो, देन फिर उसका पीछे से चेकआउट करो। इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए चेकआउट करो, ये लुकिंग देखो इसकी क्या जबरदस्त लुकिंग है। और स्लिम ट्रिम है ये, काफ़ी स्लिम ट्रिम है और एडजस्टमेंट फुल है, कहीं भी इसको इंस्टॉल करो जैसे मर्जी करो, आपकी इच्छा जैसे मर्जी आप इसे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और जो इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर टैंक मैंने दिखाया था काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसका रस्टेड हुआ पड़ा था। और अब देखो ये लैमिनेशन करने के बाद पूरी क्लीन करके फिर की गई इसके लैमिनेशन, जो कि कोई जज नहीं कर सकता की भी गई है नहीं की गई है, चाहे टैंक हो चाहे मड़गार्ड हो चाहे आपके साइड के पैनल्स हो, कुछ भी हो A to Z 1 to 1। और साथ में आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर बफिंग, ये देखिए इसके अंदर बफिंग भी करा दी गई, तो देख सकते हो आप पहले इंजन की शाइन क्या थी और अब इंजन की शाइन क्या है। इधर भी मिलेगा सेम आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ भी देखिए, ये देखिए ये होती है इसकी बफिंग जो करा दी गई पूरी जर्मन तरीके से। मतलब गंदी लग रही थी गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, बट अब हो गया बिल्कुल न्यू बाइक आपकी। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये है इसके हैंड गियर जो कि सुपर बाइक वाले इसके अंदर, गाड़ी कलर से मैचिंग है ब्लैक एंड टाइटेनियम ग्रे, जैसे कि आपकी गाड़ी है ब्लैक एंड टाइटेनियम ग्रे, तो वही सेम आपके अंदर ग्रिप लगा देंगे। साथ में बार एंड लगा दिए गए जो कि आपको अमूमन देखने को मिलते हैं बुलेट के अंदर, आपकी रॉयल इनफील्ड के मॉडल के अंदर 350 के अंदर, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं, जिससे लुक थोड़ी सी और इनहेंस हो जाती है। क्योंकि जिनको जैसा चाहिए हम वैसा काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे खुद के अकॉर्डिंग भैया के अकॉर्डिंग काम हुआ है, जैसे भैया ने कहा। साथ में सर हमने क्रैश गार्ड, इसमें क्रैश गार्ड दिखाऊंगा, बहुत ही हैवी गार्ड है, क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर दिए, देख सकते हो क्रैश गार्ड लुकिंग देख लो कितनी जबरदस्त है और बहुत ही हैवी क्वालिटी का क्रैश गार्ड है। इससे लास्ट टाइम भैया ने पहले कहीं से लगाया था तो उससे सेफ्टी हुई थी भैया को, तो थोड़ा सा बैंड हो गया था उनका, तो भैया ने कहा मुझे क्रैश गार्ड की नीड सबसे ज़्यादा है और हैवी में चाहिए, तो ये इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा क्रैश गार्ड। सेम इधर, सेम इधर, इससे टैंक लैक्स और आपकी पूरी बॉडी होती है प्रोटेक्ट, साथ में इंजन भी होता है सेफ, इससे पूरी फुल सेफ्टी वाले फीचर से जो कि इसके अंदर लगाया गया। और अब दिखाऊंगा बैक साइड में, इधर आइए, पहले तो देख लीजिए जैसे कि इंजन शाइन मारा उसी तरीके से एग्जॉस्ट ये भी करे गए हैं पूरी तरीके से। इसके अंदर क्या होता है जो पाउडर होता है ना, इसे पाउडर से क्लीन करा गया पूरी तरीके से आगे से लेकर पीछे तक ना, जो काफ़ी ज़्यादा रस्टेड थी इसके अंदर, बट ये क्या एक स्टेनलेस स्टील तो क्लीन हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर बट ये हो जाता है। देखो इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये पाउडर अभी भी लगा हुआ थोड़ा सा, ये देखिए तो ये पाउडर से किया गया पूरा क्लीन, इधर भी मतलब बिल्कुल ही न्यू हो गया आपके एग्जॉस्ट। वैसे तो भैया कह रहे थे नेक्स्ट टाइम एग्जॉस्ट नहीं लगाऊंगा, बट नेक्स्ट टाइम छोड़ो, भैया ने कहा अभी फिलहाल मैं इसको चलाऊंगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और इधर आपको देखने मिलेगा पीछे बैकलाइट जो कि आपने देखी थी हमारी इंटरसेप्टर जो हमने पहले लगाई थी, अब तो उतार दी घर मैंने, ये बैकलाइट देख सकते हो, ये बैकलाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। इसमें इंडिकेटर पैटर्न भी आपको दोनों को देखने मिलेगी आपको, साथ में आपको बैकलाइट और ये ब्रेक लाइट भी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग आती है इसे लगने के बाद, बहुत मज़ा आता है, ऑसम लुकिंग देती है इसे लगने के बाद। और अब करते हैं इसको बंद, क्योंकि अब आई थिंक इसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है पूरी तरह कम्प्लीट। और अब भैया को तो मिलवाऊंगे, मैंने बताया नेवी में, भैया ने साफ मना करा कि भैया नेवी में हूँ मैं फेस रिवील नहीं कर सकता। तो वीडियो चले चल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं, और जैसे कि भैया इतनी दूर से हमारे पास हैं तो आप भी ऑल इंडिया से आ सकते हो हमारे पास, जो कि मिलते हैं राजू भाई की शॉप
दिल्ली के करोला नाईवल के अंदर हमारी दो शॉप होती है, एक मिलती है आपको 51 नंबर एक और नंबर दूसरी मिलती है हमारी बैक साइड में 36 नंबर के लिए, जो देख सकते हो थोड़ा सफाई चल रही है इसलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, बाकी जल्दी पूरा क्लीन अप होने वाला है शॉप का और फिर थोड़ी सी न्यू डेकोरेशन करेंगे शॉप के अंदर। और फ्रंट पे देखेंगे, फ्रंट पे देखने मिलेगा आपको आर्य समाज रोड, जो कि आपको मिलता है हनुमान जी की मूर्ति के जस्ट अपोजिट। हनुमान जी की मूर्ति पर आ जाएंगे सामने मेरी शॉप, वहाँ से 50 या 60 मीटर की दूरी है, वो भी मेन रोड पर, कहीं मुड़ना नहीं है आपको, सीधा ना मार्केट के एंटर मारते ही मेन रोड मेरी शॉप मिल जाती है, द न्यू साउथर्न होटल अपोजिट चौक है जो हमारी शॉप पर है। तो आना कहें बता दिया, काम कैसा लगा कमेंट कर राजू बताना, और किसी को आना हो तो बताइए आना कहें राजू भाई के पास, और वीडियो चले हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना राजू भाई SKD को, इधर भी देख लो ये हमारा प्ले बटन भी आ चुका है आपको पता ही है आ चुकी है, बट इतनी सारी वीडियोज होती है ना कि मैं अपनी खुद की वीडियो नहीं डाल पाया अभी, और यूट्यूब और इंस्टा इन दोनों को कर लेना फॉलो और सब्सक्राइब, तो वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जयशंकर बोलते हैं गुड बाय।